पगड़ी बांधना जानते हैं वो पगड़ी संभालना भी जानते हैं। ये डायलॉग आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। क्या पगड़ी पहनना सिख धर्म में अनिवार्य है? सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान ये सवाल किया था। मामला दिल्ली के एक साइक्लिस्ट जगदीप सिंह पुरी से जुड़ा था, जिन्होंने स्थानीय साइकिलिंग एसोसिएशन के नियमों के खिलाफ याचिका दायर की हुई थी। संविधान के नजरिए से सिखों का पग पहनना अनिवार्य हो या नहीं हो, लेकिन खालसा पंथ में यानी कि सरदार बनने के लिए या कह लें कि सिख बनने की राह में पगड़ी का बहुत ज्यादा महत्व है। सिख पगड़ी को पारंपरिक भाषा में दस्तार और दुमाला कहते हैं। खालसा सिखों के बीच पगड़ी को पहनना धार्मिक तौर पर जरूरी माना जाता है। सिख समुदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा सिखों में पगड़ी पहनना कंपलसरी किया गया। आज हम आपको अपने इस वीडियो में सिखों के पग रस्म के बारे में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं नेडरिक न्यूज पंजाब। पगड़ी या दस्तार सिख धर्म के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके वैज्ञानिक कारण भी हैं और धार्मिक कारण भी हैं। पग की महत्वता वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना ज्यादा आसान है। सिखों को लंबे बाल रखना अनिवार्य है। इन लंबे केशों को सही से बांधने में सिख पगड़ी का इस्तेमाल करते हैं। सिखों में पगड़ी का धार्मिक रूप से और अधिक अहमियत है। धार्मिक तौर पर सरदारों को पगड़ी पूरे नियम और रस्म के साथ पहनाई जाती है। सिख परिवारों में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बचपन से ही लड़कों को पग पहना दिया जाता है, पटका के तौर पर इसे पहनाया जाता है, और एक उम्र के बाद उन्हें एक गुरुद्वारे में ले जाया जाता है और वहाँ गुरु ग्रंथ साहिब की उपस्थिति में और अरदास के बाद उसकी पहली पगड़ी को ग्रंथी द्वारा औपचारिक रूप से बांधा जाता है। इसके बाद ग्रंथी लंबे बाल और पगड़ी पहनने के महत्व बच्चे को बताते हैं। लगभग 5 वर्ष की आयु में लड़कों को दस्तार सजौनी यानी कि पगड़ी बांधने की रस्म निभाई जाती है। दस्तार सजौनी समारोह मनाने के लिए संगत की उपस्थिति में अखंड पाठ या खुला पाठ किया जाता है। एक चीज यहाँ पर गौर करने वाली है, वो ये कि पग समारोह सभी सिखों द्वारा नहीं किया जाता। पगड़ी बांधने की रस्म जिसे हम दस्तार बंदी या दस्तार साजनी कहते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सिख मान्यताओं के अनुसार पुरुष और महिलाएं अपने बाल नहीं काट सकते हैं और उन्हें अपने सर को ढक कर रखना होता है। यह पगड़ी रस्म सिख धर्म में इतनी महत्वपूर्ण है कि सिख समुदाय की महिलाएं भी इस पगड़ी को धारण करती हैं। सिख धर्म की महिलाएं जब अमृत चक लेती हैं यानी कि 5 ककार धारण कर लेती हैं, तब उन्हें दस्तार पहनने की अनुमति दी जाती है। सिख महिलाओं का भी सिख पुरुष और बच्चों की तरह ही पग रस्म किया जाता है। महिलाओं को पग धारण करने के बाद खुले बाल रखने की अनुमति नहीं होती है। युवाओं को आमतौर पर अपनी किशोर अवस्था में ये समझाना चाहिए कि वे अपने सर पर जो बांध रहे हैं वो केवल पगड़ी नहीं है बल्कि सिख दस्तार है, जिसका सम्मान उन्हें हमेशा रखना है। पंजाबी में दस्तार का अर्थ होता है ताज। गुरु गोविंद सिंह जी ने इसके बारे में कहा था कि ये दूसरों को बताने के लिए नहीं है कि हम कौन हैं, ये खुद को बताने के लिए है कि मैं कौन हूँ, ये हमारे लिए है। पगड़ी के इन रस्मों को सिख धर्म में बहुत गंभीरता से लिया जाता है और इसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी की जाती है। क्या आपके घर में भी पग सेरेमनी हुई है इससे पहले, या आप करना चाहते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।